हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ MT-15V2 के मीटर कंसोल फंक्शन के बारे में। MT-15V2 हो या V3 या V1, इवन R15 लगभग सेम ही है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका डिमांड था कि MT-15V2 के मीटर कंसोल के बारे में प्रॉपर डिटेल्स वीडियो बनाकर अपलोड किया जाए, तो मुझे लगा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आइए कुछ बताते हैं मीटर कंसोल के बारे में। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं जैसे ही अगर आप इग्निशन को ऑन करते हैं तो हाई बॉडी क्लिक कर आएगा, रिफ्लेक्ट होगा। आप देख सकते हैं हाई बॉडी, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कुछ अगर नंबर लिखना चाहते हैं तो वो भी, डिजिट लिखना चाहते हैं तो वो भी, दोनों मिलाकर भी लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 6 डिजिट से ज़्यादा आप नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी ही उतना है। तो आप देख सकते हैं ये है न्यूट्रल का सिंबल जो ग्रीन कलर के सिंबल के साथ जलता है। अभी हमारी बाइक फर्स्ट गियर में है। और ये है इंजन का सिंबल जो कि येलो कलर की जलती है। तो मुझे बताया गया था कि अगर बाइक की सर्विसिंग या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि कूलेंट ख़त्म हो जाए, तो ये लाइट जलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंडिकेटर का सिंबल, इसके नीचे जस्ट है लो बीम हाई बीम, और इसके नीचे है ABS का सिंबल। तो ABS की लाइट येलो कलर के इसलिए जल रही है क्योंकि बाइक अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है। जैसे ही बाइक रनिंग कंडीशन में होगी ऑटोमेटिक वो लाइट ऑफ हो जाएगी। और फ्रेंड, दो बटन यहाँ पे मिलते हैं, एक सिलेक्ट का, एक रीसेट का। इसका काफ़ी यूज है, जैसे कि अगर आपको ब्राइटनेस कम करना है या फिर हाई बॉडी की जगह पे कुछ लिखना है या फिर ट्रिप ऑन से ट्रिप टू में जाना हो या फिर कोई भी चेंज करना हो, तो वही बटन से आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है गियर पोजिशन इंडिकेटर, ये हमारा RPM इंडिकेटर, और यह है ट्रिप ऑन का, ये हमारा स्पीडोमीटर, ये है फ्यूल का। तो आप देख सकते हैं एक फ्यूल कम है, यानी कि 3 लीटर के आसपास पेट्रोल ख़त्म हो चुकी है। और मैंने जब पेट्रोल फुल कराया था तो मैंने ट्रिप ऑन को रिसेट किया था, और आप देख सकते हैं 137.8, यानी कि 138 किलोमीटर चली है और एक तेल ख़त्म हुई है, मतलब 3 लीटर के आसपास ख़त्म हुई है। अब मैं आपको इसके कुछ और ट्रिप के बारे में बताता हूँ। जैसे ये है ओडोमीटर, ओडोमीटर को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। यह है एवरेज 25 किलोमीटर प्रति आवर, मैं अभी लोकल में ही मार्केट में ही चला रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये बता रही है कि एक घंटे में आप 25 किलोमीटर ही जाइएगा। यह है एवरेज लीटर प्रति 100 किलोमीटर, तो आप देख सकते हैं 1.9 लीटर में गई है 100 किलोमीटर। और यह है लीटर प्रति 100 किलोमीटर, मतलब कि ये अब का बताएगी कि कितने लीटर में 100 किलोमीटर जाएगी। और ये हमारा टाइम है 2:36 हो रहे हैं। यह है ट्रिप टू, इसको आप रिसेट कर सकते हैं, मैंने रिसेट कर दिया है। यह ट्रिप वन, क्योंकि मैंने पेट्रोल भराते समय रिसेट किया था। और एक चीज़, यहाँ पर एक VVA का इंडिकेटर मिलता है जो कि 7000 RPM जाने के बाद वहाँ पर इंडिकेट करता है। तो इंडिकेट करने का जो स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हैं, 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। और इसमें आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जहाँ पर हाई बॉडी लिख कर आया था वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि हाई बॉडी कैसे चेंज होता है। तो उसके लिए आपको रीसेट वाला बटन को प्रेस करके रखना और की को ऑन करना है। मैं अकेले हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, करके देखते हैं, शायद ऑन हो जाए। तो फ्रेंड, ऑन हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लिंक कर रही है। तो आप इन दोनों बटन से आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना है तो आपको रीसेट वाला बटन को दबा के रखना है, उसके बाद की को ऑन करना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यह ब्राइटनेस का भी 6 ही है, तो इससे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सबसे कम हो गई, फिर ज़्यादा, ये लास्ट है। तो ब्राइटनेस में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाले नहीं है, हमको नहीं लगता है। इधर आपको यूज भी है कुछ, क्योंकि जितना ब्राइटनेस दिया गया है रात को अच्छा विजुअल होता है, आपको इरीटेट नहीं करेगा ज़्यादा ब्राइटनेस। ऐसा नहीं लगेगा कि ज़्यादा ब्राइटनेस है तो आपको फेस पे, मतलब कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको कम करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जितना ज़्यादा धूप आएगा उतने ज़्यादा अच्छा से ये विजिबल होता है। तो जस्ट लाइक घड़ी जो बचपन में यूज करते थे या फिर किए होंगे आपने, तो उसी टाइप का फंक्शन भी है, उसी टाइप का सिस्टम भी है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा है इस स्पीडोमीटर से, बस एक ही प्रॉब्लम लगा है इसका। अभी आप देख सकते हैं फुल हो गई, लेकिन थोड़ा बहुत होती है, चलाएंगे तो जब सरफेस एकदम प्लेन रहेगा तो ऑटोमेटिक कम ही हो जाएगी। तो बस खाली इसमें यामाहा को थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, बाकी स्पीडोमीटर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लुक भी अच्छा है, वर्क भी अच्छा करती है, और मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में कुछ बताने लायक है। शायद अगर भूल भी गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े कम है, वर्क टाइम वगैरह कम्प्लीट हो गया है, तो आपने बहुत सपोर्ट किया है, थोड़ा सपोर्ट और चाहिए। थैंक यू सो मच।